औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तारीख 10 दिसंबर 2016 है। मुसलमान जो बुरे कमेंट्स दे रहे हैं और जो धमकियां दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहे हैं, जबकि दीन और कुरान पाक और हदीस उनके हलक से नहीं उतरा, यानी समझे नहीं, ना वो तहकीक करे। ईसा इब्ने मरियम को जिंदा आसमान पर समझते हैं जिस्म के साथ, जबकि मुसलमानों का बहुत बड़ा ग्रुप ये मानता है, साबित किया है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो चुका है, वो दोबारा जन्म लेकर आने वाले थे। तो वो मुसलमान जो खुद जहालत में मुब्तला हैं, समझते हैं कि वो इस्लाम की शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं। अरे भाई, इस्लाम की शरीयत में तो कभी मैंने कोई ख़िलाफ़ बात की ही नहीं, इस्लामी शरीयत को तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ। फिर मुसलमान ये समझ रहे हैं कि वो मेरे ख़िलाफ़ आकर बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, नहीं, वो जहन्नुम में अपनी सातवें दर्जे पर जगह बना रहे हैं। वो दावतुलर्स का इनकार कर रहे हैं, वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं, मसीह दज्जाल का इनकार कर रहे हैं, और अपने आप को समझते मुसलमान। देखो हमसे खिलाफ चले गए, देखो हम कर रहे हैं, देखो हम हाथ में शरीयत ले रहे हैं, हम कुछ भी कर देंगे, जहालत की मौत मरेंगे ऐसे मुसलमान लिखा हुआ है। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को तो मौत एक दिन आनी है अल्लाह की तरफ से, वो वक्त लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कर देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला का इनाम है वो, अल्लाह ताला अता करेगा। लेकिन तुम लोग अपनी मौत को सोचो, तुम लोग अपने जहन्नुम के इस दर्जे को देखो कि कौन से दर्जे पे तुम लोग जाने वाले हो। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जाने वाले, उनके खिलाफ होने वाले कोई अल्लाह का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग समझोगे कि अल्लाह का काम कर रहे हैं, मगर तुम अल्लाह का काम नहीं करोगे, बदतरीन वैश्याओं की नस्ल होंगे, बोल के लिखा हुआ है हदीस बिहारुल अनवार में भी इसका जिक्र मौजूद है। कहेंगे कि वो अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के नबी के चाहने वाले, लेकिन वो होंगे बदतरीन कौम, वैश्याओं की नस्ल लिखा हुआ है। और यही बात आती है कुरान में भी, अल्लाह ताला ने उनको हराम ज़्यादा करार दिया है अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जो जाते हैं, यानी वो रसूल जो अल्लाह के भेजे गए हैं। तो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल हैं, नबी नहीं है किसी भी किस्म के, नोट करें। नबूवत तो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो उन पर नबूवत का, तो फिर जो भी खिलाफ जा रहे हैं असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के, वो समझते हैं कि अल्लाह का काम कर रहे हैं, हालांकि वो शैतान बने हुए हैं, मजनून शैतान बने हुए हैं, इस्लाम को छोड़े हुए, नमाज ही नहीं, बेनमाजी, कभी कभी के नमाजी, कभी कभी के इस्लाम वाले, ना कुरान समझे, ना हदीस समझे, ना मुकम्मल इल्म रखते हैं, खुद फिरकों में बटे हैं, ऐसे जाहिल लोग, ऐसे जाहिल लोगों की धमकियां, ऐसे जाहिल लोगों के फतवे, ऐसे जाहिल लोगों का खिलाफ आना जहन्नुम के उनको सातवें दर्जे पर पहुँचाएगा इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।